नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए जो एपिसोड लेके आई हूँ, इसमें हम स्पेशल डिशेस बनाना सिखाएंगे। हमारे मुल्क की जो बहुत ही खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया है, गिलगित और हमजा, यहाँ से मैंने मेरी कुलीग हैं आई हैं, मैंने उनको स्पेशल इन्वाइट किया है। आज वो हमारे लिए गिलगित की जो है रेसिपीज लेके आएंगी, नाम भी वही बताएंगी। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहती चलूँ, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक ईजिली पहुँच सके। आज मैंने अपने स्टूडियो में जिन शेफ को इन्वाइट किया है वो हमजा से हैं और बहुत ही काबिल शेफ हैं, मेरी को शेफ हैं। हम दोनों ने इकट्ठे ही हाशिम फाउंडेशन से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, तो अब तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जॉब कर रही हैं। तो आज मैंने इनको इन्वाइट किया है, आलिया कंवल आज आपको जो है हमजा की डिशेज बनाना सिखाएंगी। तो आलिया, मैं चाहती हूँ कि अपने बारे में आपको बताएं कि कहाँ कहाँ ये जॉब करती रही हैं और अब कहाँ जॉब कर रही हैं, और बहुत ही अपने टाइट स्केड्यूल से इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और ये आपके लिए आज स्पेशल रेसिपीज लेके आई हैं। जी आलिया। अस्सलाम वालेकुम आपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आलिया कंवल है, मैं ताल्लुक़ रखती हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। मैं आई हूँ 2017 को यहाँ हाशिम फाउंडेशन में, मैंने 6 महीने डिप्लोमा किया है आप ही के साथ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया हुआ है पीसी गुरबन में 6 मंथ्स। उसके बाद मैंने किया है हॉलीडे ग्रैंड रिजॉर्ट गुरबन में 6 मंथ्स, उधर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद अभी लगी हूँ मैं GSK कंपनी, ये मेडिकल कंपनी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपनी GSK कंपनी, उसमें गेस्ट हाउस में मैं लगी हूँ। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट ज़्यादा छप शुरू में ये बीफ कीमा है 500 ग्राम्स, ये वाइट फ्लोर मिक्स पर्पस फ्लोर है 2 कप, और हमारे पास ऑनियन है ये 2 मीडियम ऑनियन लिया है हमने चॉप, 3 मीडियम टमाटर लिया है हमने, इसको भी हम चॉप करेंगे। ये ग्रीन चिली है 3 लिया हुआ है, ये 3 टेबल स्पून है। अच्छा, कुकिंग ऑयल, ये लेमन जूस है 1 टेबल स्पून, ये 2 टेस्ट हमने साल्ट यूज़ करना है, ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये लाल कुटी हुई मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है करिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। जी आलिया, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे सबसे पहले? जी आप ही, हम सबसे पहले हम छप शुरू के लिए डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आटा और ऑयल, कुकिंग ऑयल और साल्ट, थोड़ा पानी, वाटर चाहिए होगा। ठीक है नाज़रीन, मैंने डाला है इसके साथ पर्पस फ्लोर और थोड़ा सा मैदा डाल दिया है। ये मैदा आपने 3 टेबल स्पून ऐड किया है? जी जी। अच्छा, ज्यादा हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, हमने नॉर्मल ही इसकी डो के लिए आपको ऑल पर्पस फ्लोर ही चाहिए होता है, जो ब्रेड फ्लोर होता है, क्योंकि हमारे उधर तो देसी ही खाते हैं, मैदा बहुत कम यूज होता है, तो हम अपने घर की ही चीजें ज्यादा यूज करते हैं, गंदम के आटे से हम। अच्छा, सब कुछ होता है हमारा, तो हम इसमें थोड़ा सा नमक यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। हम आटे को थोड़ा सा सख्त रखेंगे क्योंकि हमने 10 से 15 मिनट तक इसको कवर करके रखना है, तब तक ये नरम हो जाएगा हमारा आटा। अभी लास्ट में मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी हल्का सा, क्योंकि मेरा आटा नरम रहे। निकाल
निकाल के बाहर अच्छे से इसको करती हूँ ताकि हमारे बीच में जो अच्छा आपने इसको इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है। पिज्जा की डो को हम शेल्फ पे रख के और इसको भूनते हैं और इस पे अच्छा खासा जोर लग जाता है। आलिया के अंदर बहुत जोर है, वो इसके ऊपर बहुत अच्छा जोर लगा रही है और जितनी आप अपने हाथ की हथेली की मदद से इनको जितना जोर से गूंदेंगे आपकी जो छप शुरू की डो है उतनी अच्छी और मजे की गूंदी जाएगी। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक रखेंगे ताकि हमारा डो तैयार होगा। तब तक मैं कीमे के पीछे जाती हूँ। आलिया की कटिंग जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे जबरदस्त की कटिंग थी। ये कार्विंग करती थी और हमारे जो कॉम्पिटिशन होते थे तो उसमें हम आलिया को आगे करते थे कि कार्विंग के लिए फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की कार्विंग जितनी भी जबरदस्त किस्म की हमें प्राइज जो मिलते थे वो इनकी कार्विंग की वजह से मिलते थे। ये फ्रूट्स की कार्विंग बहुत जबरदस्त करती हैं। तो ये आलिया ने जो है वो टमाटोज और अनियन जो है वो चॉप कर लिए हैं। अच्छा ये जो अंदर से सीड्स निकलते हैं ये इनको भी वेस्ट नहीं करेंगी। ये जो सीड्स हैं ये भी छाप शुरू के बीफ के अंदर जाएगा इसलिए इसको भी चॉप कर लिए छोटा छोटा। वेस्ट हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हम अनियन जो है वो सौते करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चूल्हा ऑन किया और फ्राई पैन लिया है मैंने, उसमें डाला है मैंने तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल। इसको मैं गरम करूंगी। अच्छा आप इस पे पहले प्याज डालेंगी? जी मैं इसमें पहले प्याज डालूंगी। हमें कच्चे प्याज चाहिए होंगे। अच्छा इसको सोते करना है आपने? सोते। ठीक, ये हमारी बैच की एक और लेडी थी वो चित्राल से थी और वो हमारे लिए एक बार लेके आई थी और हमने खाया था। बहुत मज़े का ये होता है और ज़बरदस्त। और एक बार आप खाएं तो दोबारा ज़रूर दिल करता है कि आप खाएं। अच्छा इसकी आंच में तेज़ कर दूँ? जी जी थोड़ा सा। अच्छा आपने इस फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, आंच को आपने बिल्कुल हल्का नहीं रखना। और मैं इसी में ही साल्ट डालूंगी क्योंकि ओनियन में जब हम साल्ट डालते हैं तो ये सोते अच्छे से होते हैं। अच्छा ये जबरदस्त टिप है नाजरीन आपके लिए कि आप जब अनियन में साल्ट डाल दें तो आपका अनियन जो है वो अच्छे से सोते हो जाएगा। शेफ साहब आपको अच्छी अच्छी टिप्स देंगे साथ साथ इंशाल्लाह। जी नाजरीन ये देखें हमारा अनियन जो है वो सोते हो रहा है। आपने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट जो है ऑयल के अंदर सोते करना है और इसके बाद हम आलिया इसके अंदर क्या डालेंगे? कीमा डालेंगे आप। ओके अब आप अनियन के बाद अब क्या कीमा डालेंगे? जी जी अभी बस ओनियन हमने कच्ची ही रखना, थोड़ा बहुत सोते करना है, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर मैं डालूंगी कीमा। अच्छा कीमा मेक श्योर आपका जो हो वो ताज़ा कीमा आप लेके आए और इसको आपने धोना नहीं है। आपको पता है कीमा धोने से जो कीमे के अंदर जितने भी विटामिन और इसके अंदर की जो गजाइत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए गोश्त को आप कीमा करवाने से पहले अच्छे से धो के और उसको ड्राई कर लें, उसके बाद आप उसको कीमा बनाएं। ये देखें जी शेफ साहब जो है अब जो होटल्स में रेस्टोरेंट्स में करते हैं घरों में तो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन आदि हैं करने के। आप इसको मज़े से जो है वो आज ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट हमारे घर में ओपन हो चुका है आलियाज रेस्टोरेंट। अच्छा आपने कीमा डालने के बाद तकरीबन कितनी देर इसको भूनना है? ये तकरीबन आप ही मैंने 5 मिनट तक इसको भूनना है।
और बीफ का आपको पता है कि अपना टेस्ट होता है, इसको टेस्ट देने का कोई जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती इसको कि हम सॉसेज डालें और टेस्ट। आप यकीन करें अभी से इतनी मजे की खुशबू आ रही है सिर्फ ये करने से। आप घर में भी अगर चूल्हे को तेज करके और अपने पैन को इसी तरह ही करें और आग बाहर की तरफ आए तो जो बारबेक्यू फ्लेवर होता है, आपकी खुशबू होती है, वो आपके फूड में जो है वो रच बस जाती है और आप घर में ही बारबेक्यू कर सकते हैं। और ये करने से इसके अपनी पूरे किचन में जो है वो बारबेक्यू का जो टेस्ट है, वो स्मेल है, बारबेक्यू की खुशबू वो पूरे किचन में आ रही है। अभी मैं अभी इसको कवर करूंगी 10 से 12 मिनट तक, ठीक तब तक मेरा बीफ थोड़ा तैयार होगा। ठीक, अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। अभी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, जबरदस्त खुशबू आ रही है यकीन करें। और अच्छा देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टेबलस्पून आपने डाला है। जी जी, अब बहुत मजे की बारबेक्यू फ्लेवर जो है वो आ रहा है। फ्लेम इसके नीचे फिलहाल ज्यादा करेंगे हम, बिल्कुल स्लो है। चलो आज की रेसिपी खा के तो बहुत मजा आने वाला है। जिस तरह रेस्टोरेंट्स में शोर होता है बर्तनों का, आज हमारे किचन में ऐसा शोर है। और यकीन करें जो गोश्त की जो स्मेल जिसको कहा जाता है वो बिल्कुल नहीं है, अरोमा आ रहा है मजे का इसके अंदर से, अरोमा बिल्कुल मजे का टेस्ट जिसको कहते हैं। और अभी एक तो बीफ का अपना टेस्ट होता है, अपना ही खुशबू खुशबू होती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिशन्स के दौरान हम आलिया को जो है वो कार्विंग की तरफ बस कर देते थे। हम कोशिश करते थे कि बाकी चीजें हम कुछ ना सीखे आलिया कुछ ना सीखे, ये सीखी सिखाई थी, इनकी कार्विंग अच्छी थी तो हम जितने भी ग्रुप्स का कंपटीशन हो रहा होता था वो सब ग्रुप्स के अपने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाके इनको दे देते थे कि हमारे फ्रूट्स की और वेजिटेबल की कार्विंग करें। अच्छा तकरीबन 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। मैंने इसको भून लिया तकरीबन 3 मिनट। मैं इसमें अभी मसाले डाल के फिर 5 से 8 मिनट तक बंद करती हूँ। मैं पहले डालूंगी ये जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर, ठीक, ये रेड क्रश चिली है 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स मजे की। अच्छा आपको पता है नाजरीन हुंजा में ज्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते, इनके स्पाइसेस बहुत पंजाब में भीड़ भीड़ के अभी, लेकिन ये फिर भी आम रूटीन से बहुत कम स्पाइसेस हैं, इसमें इतने ज्यादा स्पाइसेस यूज नहीं हुए और बड़ा इनकी गिलगित में नॉर्मल खाना बनता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खा सकते गिलगित में। अच्छा अब ये बाद में डालेंगे, ठीक। अब इसको आप कितने टाइम के लिए कवर करेंगे? 5 से 8 मिनट, ठीक। और फ्लेम लो फ्लेम, जी जी ठीक, मैं फ्लेम को लो कर देती हूँ। अच्छा आपने इसको लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट के लिए पकाना है ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे से पक जाए, ठीक है जी। व्यूअर्स अब 7 से 8 मिनट हो चुके, अब जो है बीफ मिंस रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आलिया आप टोमेटोस ऐड करेंगी? जी अभी पहले मैं टोमेटोस की ये जो सीड्स है ये ऐड करूंगी। अच्छा यानी हमने सीड्स को भी वेस्ट नहीं करना, वो भी इसके अंदर डालना। जब मेरे ये सीड्स अच्छे से पक जाएंगे फिर ये मैं डाल के इसको ज्यादा नहीं पकाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, टमाटर और प्याज के कच्चापन बहुत टेस्ट देता है हमारे छपरों में। ओ जबरदस्त,
मेरा ये टमाटर गल के तैयार हो चुके हैं। अब मैं ये दूसरे टमाटर डालूंगी। मेरा बीफ भी तकरीबन बस रेडी हो गया है। जबरदस्त बीफ जो है वो आपका गल चुका है, मैंने अभी टेस्ट किया। अच्छा, टमाटर डाल के आपने इसको ज्यादा नहीं पकाना? नहीं, नहीं पकाना। और साथ ही आपने ग्रीन चिली 3 मीडियम साइज के लिए थे, और हरा धनिया इसके अंदर जाएगा, थोड़ा सा हम डालेंगे क्योंकि बाद में अच्छा खुशबू छोड़ता धनिया। बस आप इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। ठीक, साइड पे करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा आटा तैयार हो गया है नरम। मैं थोड़ा और इसको नरम करती हूँ। बहुत जबरदस्त आटा गूंदा हुआ है। अच्छा, आटे को आप गूंद के 10 से 15 मिनट रखते हैं, वो खुद ही नरम होना शुरू हो जाता है। और यकीन करें, ये छप जो गिलगित की जुबान में जो कीमा होता है उसको छप कहते हैं, इसीलिए इसका नाम छप शोरो है। और इतनी मजे की खुशबू आ रही है। ये आलिया जो है ये मैं दो रोटी इक्वल बनाऊंगी, बिल्कुल एक नीचे एक ऊपर, और बीच में मैं ये कीमे की स्टफिंग करूंगी। अच्छा, आपको लगे कि आप इक्वल नहीं बना सकते तो आप इजीली जो आपके वेट स्केल है उसके ऊपर अपने जो पेड़े हैं वो रखें और दोनों को इक्वल मेजर करें। एक जो है वो 13 ग्राम है, 103 ग्राम, और दूसरा 104 है। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर से कम करके और आप इनको इक्वल बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम शुरू करेंगे। अच्छा, आपने 4 पेड़े बना लिए, यानी दो छप शुरू हमारे तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, छप तो कीमे को कहते हैं, शुरू जो है ये डो को कहते हैं। हाँ जी, शुरू ये बाहर वाला शुरू हो गया और अंदर वाला छप छप हो गया। कीमे को नहीं बोलते हैं छप, पूरे गोश्त को ही गोश्त को छप कहते हैं। वो कोई सा भी गोश्त हो, चिकन का हो, बीफ का हो, छप को शुरू ही बोल छप बोलते हैं गोश्त। हम इसको ज्यादा पतला नहीं करेंगे क्योंकि पकाते पकाते फिर हमारा ये जो कीमा पेस्ट है ये बाहर निकलेगा। ओके। अच्छा, आपने इसको तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर से भी कम, जिसको कहते हैं ना, उतना इसको आपने बेलना है। इसकी चौड़ाई जो है वो रखनी है। अच्छा, रोटी को गोल बेल दिया, अब इसकी स्टफिंग करेंगे। इतना गोल हुआ भी नहीं है, गुजारा किया है अभी। नहीं, जबरदस्त है, दिल कर रहा है ये कच्चा ही खा जाए। खुशबू बहुत मजे की आ रही है। और ये आप लोगों के लिए एक टिप है, मैंने जो आलिया ने अभी किया, वो चूल्हे को अपने पैन को इस तरह करते हुए जो हीट मिली है इसको, आग जो बिल्कुल ऊपर तक आई है, उससे इसके अंदर बारबेक्यू फ्लेवर आया, बहुत मजे का फ्लेवर है। इसको मैंने अच्छे से स्टफिंग किया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग बीफ नहीं खाते हैं, तो वो चिकन के कीमे से बना सकते हैं? चिकन मटन सब चलता है इसमें। ठीक ठीक, लेकिन बीफ का अलग ही टेस्ट होता है, अपना टेस्ट होता है इसका, अपना फ्लेवर होता है इसका बीफ का। और साइडों में आपने ज्यादा नहीं डालना क्योंकि ये पेस्ट पकाते पकाते हमारा बाहर निकलता है, इसलिए डिस्टेंस रखना है बाहर। और मैंने अच्छे से इसको कवर करना है, सील करना है बाहर बिल्कुल से, ताकि पकाते पकाते मेरा पेस्ट बाहर ना आए। ठीक। अच्छा, आपने रोटी को साइडों से इस तरह टर्न करना है, देखें कितना जबरदस्त कर रही है। इससे ये है कि आपका मिंस बाहर नहीं निकलेगा और आपका जो छप शोरो है बहुत मजे का ऊपर नीचे से पक जाएगा। और इसका डिजाइन भी कितना मजे का लग रहा है, टेक्सचर कितना अच्छा है। आप चीज तो बहुत अच्छी बना लेते हैं और जब तक उसकी लुक अच्छी ना हो तो खाने का मजा भी नहीं आता। इससे देखें, लुक प्रोफेशनल शेफ वो नहीं होता जो अच्छा खाना बनाता है। प्रोफेशनल शेफ वो होता है वो जो हर चीज SOPs का ख्याल रखे, हर चीज का ख्याल। बिल्कुल। और जो
वेस्टेज को भी काम में लेके आए और अच्छा उसको अभी मेरा ये इधर तैयार हो गया। अभी मैं इसको तवे के ऊपर पका लूंगी, बाद में हल्की कर लेंगे। अच्छा ये मैं तवे के ऊपर डाल रही हूँ, इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि हमारा वो जो कीमा है अच्छे से पक जाए और मेरा ये रोटी है जो अच्छा सा पक जाए और जले ना। अच्छा फ्लेम को आपने हल्का रखा है, हल्के आंच पे हमने पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा ये बिल्कुल स्लो आंच पे हमने रखा था 10 से 15 मिनट। अब मैं इसके साइड चेंज करने जा रही हूँ, ये हमारा फिर हम रखेंगे दूसरी साइड 10 से 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे। अच्छा इसको बस हल्की आंच पे आपने पकाना है, हल्की आंच 10 से 15 मिनट एक साइड और 10 से 15 मिनट एक साइड। जी नाजरीन, जब तक हमारे छाप शोरोस रेडी होते हैं तब तक अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे आए। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो आलिया हम क्या बना रहे हैं? ग्यालिंग। ग्यालिंग, ग्यालिंग के लिए हमें सबसे पहले पानी चाहिए होगा। हमें जितना हमें बनाने हैं इतने ही मैं पानी लूंगी, उससे ज्यादा या कम नहीं। यानी आपका ये पानी है तकरीबन 2 कप्स जो है वो कप्स पानी है। 3 अंडे लिए आलिया ने, 1/2 कप जो है वो ऑल पर्पज फ्लोर यानी घर का जो आटा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, और 1/2 कप मैदा व्हाइट फ्लोर, इसको केक एंड पेस्ट्री फ्लोर भी कहते हैं। नमक इसमें हसबे जरूरत जाएगा, ऑयल 3 टेबलस्पून और बटर भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें जो है वो यूज करेंगे। अच्छा इसका ये है कि अभी आलिया ने मुझे बताया कि ये लोग वहाँ के लोकल जो है नमकीन इसको नाश्ते में बनाते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। पंजाब के हमारे भाई बहन आप इसमें चीनी नहीं मिक्स करके आप बना सकते ठीक, हैं। ठीक ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 2 टेस्ट नमक डालूंगी इसमें पहले, उसके बाद कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं इसमें, ये 3 टेबलस्पून है। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए मैदा और पर्पस फ्लोर मिक्स करूंगी। अच्छा ये वहाँ की स्पेसिफिक नाश्ते के लिए लोग कहते हैं कि हमें जो सबसे इजी रेसिपी लगती है वो ये होती है, नाश्ते में वो ये बना लेते हैं। खासकर सर्दियों में तो ये सर्दियों की जान है देसी बटर, और हम घी का ऑयल ज़्यादा यूज करते हैं उधर। देसी बटर ना हुआ तो घर में घी का ऑयल तो हर घर में पड़ा हुआ। घी का ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल ये घी का ऑयल वो बता रही है जो उसके अंदर अखरोट के अंदर अखरोट नहीं खुबानी खुबानी के अंदर जो बादाम होते हैं उससे बना हुआ ऑयल ये लोग यूज करते हैं, अगर प्योर घर का बटर ना हो तो। आप इसको अच्छे से मिक्स करना है और इन दोनों के साथ एक बहुत जबरदस्ती टी बनाएगी ये, और बड़ी मजे की, उसका नाम इतना जबरदस्त है और जब वो बनेगी तो आपको पता लगेगा। इससे नेक्स्ट जो रेसिपी है वो हमारी टी की रेसिपी होगी। जी नाज़रीन, ये देखिए आलिया ने मैदा, आलू पर फ्लोर, नमक और पानी उसको और ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स किया, इसको बड़ा सा बैटर बना लिया है। अच्छा मैंने आपको जो रेसिपी दी थी बताई है वो 2 कप पानी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आपको अगर कम या ज़्यादा लगे, अगर लगे कि पतला है तो आप इसके अंदर आटा और थोड़ा सा शामिल कर लें। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड आप पैनकेक्स की तरह जो है। और अब आप इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे? जी इसके अंदर हम अंडे शामिल करेंगे क्योंकि टेस्ट और अच्छा आएगा। अंडे जो है वो हमेशा आप सेपरेट तोड़ के वो डालें क्योंकि गर्मी है, इसमें अंडों का कुछ पता नहीं लगता और कभी कभार जल्दी से कोई चीज़ भी ले सकता है। आप इसको
इसको मैपल सिरप के साथ भी यूज खा सकते हैं, कैरमल सिरप, चॉकलेट सिरप इसके ऊपर पोर करके इसको गार्निश करके और खाएं। हम तो ऊपर घी का भी लगाते हैं, जाती और बटर लगा के खाते हैं। अच्छा, आपने देखा है नाजरीन, इनके खानों में फैट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए तो माशाल्लाह इनकी फिजिक्स जो है वो जबरदस्त होती है। इन्होंने अपना मेंटेन रखा होता है, फैट नहीं यूज करते ज्यादा, इसलिए ज्यादा फैट भी नहीं होते हैं और नॉर्मल इन लोगों के फिगर होते हैं। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, अभी ये हमारा छप शुरू बस तैयार होने जा रहे हैं, जैसे वो तैयार होंगे तो हम गैलिंग की तरफ जाते हैं। ठीक जी नाज़रीन, हमारा छप शुरू जो है वो रेडी हो चुका है, अब इसको हम प्लेटर में निकालेंगे। जी नाज़रीन देखें, जबरदस्त से छप शोरो बन चुके हैं, छप शोरो बन चुके हैं। हमारी लैंग्वेज में और इनकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस है, हम छप कहेंगे और ये जबरदस्त सी जो लैंग्वेज है छप शोरो। बहुत मजे का टेक्सचर है देखें, और इतने जबरदस्त अरोमा इसका आ रहा है। अभी आलिया इसको कट करेंगी और हमें दिखाएंगी कि अंदर से कैसा लगता है, और बहुत मजे की खुशबू आ रही है आलिया जी। देखें हम आलिया जो है वो इसको कट करेंगी। अच्छा, इसको कट करने का भी तरीका है, मैं अभी तक सोच रही थी कि शायद हम पिज्जा की तरह इसको कट करेंगे। नहीं नहीं, आपको एक्स्ट्रा रोटी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी। हाँ, जबरदस्त गरम गरम। वाओ, जबरदस्त, कितना मजे का लग रहा है, यकीन करें इतना मजे का अरोमा आ रहा है। और इसी से ये रोटी भी बन जाता है और ऐसे खाते हैं। अच्छा ठीक है, जबरदस्त, और ये केचप के साथ और टेस्टी बन जाता है। जबरदस्त आ गया, बहुत मजे का है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। कीमा तो ऐसे ही मजे का था, बहुत मजे का। थैंक यू सो मच आपी। अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जाते हैं। जी नाजरीन, अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो ग्यालिंग की है। आलिया आपको बताएंगी कि किस तरह बनाना है। अच्छा, इसके लिए नॉन स्टिक का पैन आपका होना चाहिए, तवा जो है। जी आपी, इसको तवे पे डाल के इसको आपने इस तरह करना है, और इसके लिए आपको ये चाय वाला जी, मगा ये मस्ट है, ये जरूरी चाहिए आपको। जबरदस्त माशाल्लाह, ये हमारा ग्यालिंग। अच्छा, आपने इसको तवे पे डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद टर्न करना है। ये हमारे हीट का वो होता है, डिपेंड हीट पे, जब हीट हमारा तेज होता है तो 1 से 2 मिनट काफी होता है। अच्छा जबरदस्त, देखें माशाल्लाह, दूसरी साइड को भी इतना ही टाइम देना? नहीं, दूसरी साइड पे बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ठीक, और फिर आपने इसको पैन में निकाल लेना। जी जी आपकी, छाप शोरो माशाल्लाह, 3 छाप शोरोस बने थे, जिसमें से 2 तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और 1 तवे पे है जिसका भी वेट हो रहा है पकने का। इसको आप प्लेटर में निकाल लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसको इस तरह प्लेटर पे निकालना है। जी नाज़रीन, हमारे जो ग्यालिंग है वो आपने क्या करना है, जो आप रेडी होते जाएंगे पैन में रखते जाना है, और इसके ऊपर आपने, आपके पास बटर हो या वो गिरी का ऑयल जो आलिया बता रही थी कि आपने बटर ऑयल या कुछ भी जो है आपने लगाना है। मैं इस तरह ग्यालिंग के ऊपर इसको बटर जो है वो स्प्रेड करती जाऊंगी। आलिया इसी तरह करना है? जी जी ओके। इसके ऊपर तह लगाते हुए जाना है हमने ग्यालिंग। अच्छा, बटर लगाया, अब दूसरा ग्यालिंग बनेगा वो इसके ऊपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर भी बटर लगाते जाएंगे।
जी नाजरीन, हमारी ग्यालिंग जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये लास्ट फल है, अब इसको आलिया प्लेटर में निकाल रही हैं और इस पे बटर लगाएंगे। जी नाजरीन, हमारे ग्यालिंग जो है वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पे आप इसको हनी के साथ, वैसे तो गिलगित में हनी यूज होता है, आप चाहें तो इसको चॉकलेट सॉस के साथ भी यूज खा सकते हैं, कैरेमल सिरप के साथ। अब आज हम आपको जो है वो कैरेमल सिरप के साथ जो है वो बताएंगे, आप हनी के साथ भी खा सकते हैं इसको, और आगे आपको बताएंगे कि वहाँ के लोग इसको किस तरह खाते हैं। ज्यादा नहीं, इसको ऐसे लगाएंगे और इसको इस तरह फोल्ड करना है, फोल्ड करके और जी नाजरीन, अब हमारी जो लास्ट रेसिपी है, बड़ी जबरदस्त चाय। आलिया बताएंगी कि कौन सी चाय आपको बनाना सिखा रही है। अच्छा, ये मैंने लिया है आज आलिया आपको वॉलनट टी बनाना सिखाएंगी। ये भी गिलगित की जो एक स्पेशल टी होती है, इसमें वॉलनट यूज होता है, और इनकी जुबान में इसको क्या कहते हैं, तिली, और शेना में खकाई। छह जुबानें हैं और जिसमें ये आज आपको ये वॉलनट टी बनाना सिखाएंगे, और बड़ी जबरदस्त और डिफरेंट रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आलिया। पहले मैं इसका दूध बनाऊंगी। अच्छा, ये वॉलनट ली है, तकरीबन 1/4 कप वॉलनट अखरोट साबुत लिए हैं, और उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल के उसको उस तरह पेस्ट बना दिया, और उसके बाद इन्होंने 1 कप चाय बना रहे हैं हम। 1 कप टी के लिए मैं बनाऊंगी इधर 1 कप दूध। अच्छा, इसी से दूध बनाएंगी, ये एक्स्ट्रा जो मिल्क होता है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसका दूध बनेगा। इसके लिए इन्होंने 1 चाय का चम्मच चाय की पत्ती ली है, आम कोई भी आप घर में जो इस्तेमाल करते हैं, और 1.5 चाय का चम्मच इसमें चीनी है। वैसे तो गिलगित में नमक वाली चाय यूज करते हैं ये लोग, मीठा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे आज ये मीठी चाय बना रही है तो इसके लिए हमने चीनी ली है, और इन्होंने ये इसका मिल्क बना दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। चाय की बूंदी आ रही है, ब्लैक टी अभी मेरी रेडी हो रही है, जैसे रेडी होगी मैं ये वॉलनट का जो मैंने दूध बनाया वो डालूंगी। अच्छा, 1 कप पानी के अंदर आलिया ने चाय की पत्ती डाल दी और उसको बॉईल करेगी, और उसके बाद जो है वो ये जो वॉलनट का मिक्सर इन्होंने बनाया है लिक्विड, वो इसके अंदर डाल देंगी। दूध बिल्कुल यूज नहीं होगा, ये वॉलनट की जो मिक्सर है यही इस टी का मिल्क है, और शुगर आपने पहले नहीं डालनी, शुगर डालने से आपकी टी का जो कलर है और टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, आप लोग उधर नाश्ते में यही टी यूज करते हैं? नहीं, स्पेसिफिक मौकों पे ये टी चलती है, वही दूध वाली, वो हर घर में गाय। तो ये वाली चाय कब बनाते हैं? स्पेशल कोई गेस्ट आते हैं तो घर में। अच्छा, जबरदस्त। जी नाजरीन, देखें बिल्कुल मिल्क का कलर ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर दूध ही डला है, और जबरदस्त कलर है। ये जो फिर वॉलनट के जो छिलके हैं या कुछ है ये स्टेन करते हैं हम चाय, फिर ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये हमारा चाय रेडी हो गया बॉयल होके, अब हम इसको 1 कप में स्टेन करेंगे। जी नाजरीन, हमारी वॉलनट टी जो है वो रेडी हो चुकी है, आलिया ने वॉलनट टी बनाई है, बहुत मजे की लग रही है, और ये छपशोरो और ये ग्यालिंग, नाम थोड़े से मुश्किल है, आलिया आपको एक्सप्लेन करती है इनके बारे में। अब ये मैंने चाय अभी मेरी रेडी चीनी डाल के मिक्स भी हुआ है, अभी ये पीने के काबिल हो गया। और ग्यालिंग जो हमारे उधर फेमस डिश है, इसके खाए बगैर डेली हमारा सुबह नहीं होती, हम सुबह उठ के ही घर में ये बनाते हैं ग्यालिंग। और दूसरा छपशोरो हमारे गुरु में ज़्यादा फेमस है, जगह का नाम है गुरु,
लोग आते जाते हुए वो छप शुरू के बगैर घर नहीं जाते, वो घर भी लेके जाते हैं तो खाते जरूर है ये छप शुरू। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपीज अच्छी लगी, छप शुरू, वॉलनट टी और ग्यालिंग, आप इसको जरूर घर में ट्राई करें और मुझे आज के एपिसोड के बारे में फीडबैक दें। आपको मेरी आज की रेसिपीज, आलिया की आज की रेसिपीज आपको कैसी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप मुझे देख रहे हैं, और आलिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती वक्त निकाल के आई और आज मेरे स्टूडियो में आपने मुझे टाइम दिया, हमारे नाज़रीन के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आई। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपको और तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।